अस्सलामुअलैकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल और चटपटा सा स्नैक्स शेयर करेंगे, जिसे आप घर में बना कर रख सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, मेहमानों के आने पर दे सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और न्यूट्रिशियस स्नैक्स है। चलिए इसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये मटकी भिगो कर रखी है। आप मटकी की जगह मूंग भी ले सकते हैं। इसे मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रखा था। और ये है चने, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड किया हुआ है, आप इसे देख लें। और ये चना दाल है, इंशाल्लाह इसका वीडियो मैं आगे आप अपलोड करूँगी। और देखिए, ये मूंगफली है। आज मैं आपको मटकी और मूंगफली का जो चूड़ा होता है या नमकीन होता है, वो कैसे बनाया जाए वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मटकी को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लीजिए। देखिए, हमने इसे भिगो लिया है। और भीगने के बाद जब मटकी भीग जाएगी तो हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ये 1 कप मटकी थी जिसे मैंने भिगो कर रखा था, ठीक है। और इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालकर भीगने के लिए रखेंगे। फिर उसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर लगाने के बाद हम इसे सिर्फ 2 सीटी होने तक ही पकाएंगे। जब 2 सीटी हो जाएंगे तब आप इसे निकालिए प्रेशर कुकर में से। देखिए, ये कुछ इस तरह से गल गई है, देखा आपने। ये हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इतना ही गलाना काफ़ी है। अब इसे आप एक छन्नी में डालिए और फिर इसका जो पानी है वो सारा पानी आप इस निकाल दीजिए, ठीक है। छन्नी में डाला हमने, पानी सारा निकल गया। अब छन्नी के नीचे एक प्लेट रखिए और प्लेट रखने के बाद अब जो मटकी है इस पर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालिए और इसे अच्छी तरह से मूंग या मटकी पर लगा लीजिए। और अब जो एक्सेस कॉर्नफ्लोर है उसे आप इस तरह से छान लेंगे। बस हमें इस तरह से छान लेना है तो एक्सेस कॉर्नफ्लोर निकल जाएगा और मटकी को जितना चाहिए कॉर्नफ्लोर उस पर लग जाएगा। अब देखिए, तेल गर्म कीजिए और तेल गर्म करने के बाद गर्म तेल में ये मटकी फ्राई कर लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएगी ये। अब आप इस जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, जब सारी मटकी ऊपर आ जाएगी फ्राई होने के बाद, तब आप इसे निकाल लीजिए, ठीक है। हमने इसे इस तरह से निकाल लेना है। मैं इसे फ्राई करने के 2-3 तरीके आपको बता रही हूँ, आप गौर से देखें। तो देखिए, जैसे ही तेल गर्म होता है हम ये मटकी डालेंगे और जैसे ही ये फ्राई होती है ये तेल में ऊपर आ जाती है। और ऊपर जब आ जाती है तब आप इसे निकाल लीजिए। थोड़ा सा चेक कीजिए कि ये क्रिस्पी है या नहीं, तब आप इसे निकाल लीजिए। और जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तो जैसे ही हम स्टील की प्लेट में डालेंगे तो छन से आवाज़ आएगी, ठीक है। अब देखिए, हम फ्राई करते वक्त इसमें थोड़ा सा लहसुन भी क्रश करके डाल सकते हैं। लहसुन जब हम इसे में क्रश करके डालेंगे फ्राई करते वक्त, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इस मटकी में, ठीक है। इस तरह से लहसुन के साथ भी हम ये मटकी फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं और एक बैच तल रही हूँ मटकी की। तो हमने मटकी तेल में डाली, गरम तेल में हम मटकी डालकर फ्राई कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ दूसरी चीज़ें, जैसे कि ये मैं क्रश किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता हमने डाला, और साथ ही हम डालेंगे इसके ये हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया हमने डाला। और फिर हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे चीर कर या तोड़ कर। इससे जो मटकी फ्राई होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आ जाते हैं। देखिए आप, कितनी अच्छी लग रही है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इस तरह से अगर हम फ्राई करते हैं तो। अब देखिए, मटकी को एक पेपर पर निकाल दीजिए, यानी टिश्यू पेपर पर निकालिए और या फिर किचन टॉवल पर निकालिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मूंगफली है, हाँ, पीनट्स है, उस पर भी हम इसी तरह से कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। ये भी मूंगफली मैंने 4-5 घंटे से भिगो कर रखी थी, या रात भर इसे भिगोइए। भिगोने के बाद उसका पानी निकालिए, उसे छन्नी में डालकर कॉर्नफ्लोर लगाइए और फिर इसे भी फ्राई कर लीजिए, ठीक है। एक्सेस कॉर्नफ्लोर हम छान कर निकालेंगे और फिर उसके बाद हम मूंगफली को भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे भी क्रिस्पी सा फ्राई करना है। ये भी जब फ्राई हो जाएगी तब ये ऊपर आ जाएगी। देखिए, इस तरह से तेल में ये ऊपर आ गई है, यानी ये इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो मूंगफली भी फ्राई हो गई है, इसे निकालिए छन्नी से
और छन्नी से निकाल कर अब हम इसका चूड़ा या नमकीन बनाते हैं। देखिए ये फ्राई की हुई मटकी है, मटकी पर हम डालेंगे ये नमक और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला, और चाट मसाला डालने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, यानी टेस्ट के हिसाब से हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जितना आपको चटपटा बनाना है इसे डालिए। फिर उसके बाद मूंगफली डाल दीजिए तली हुई, और ये दाल है चना दाल है इसे भी मैंने फ्राई किया है, अगर इसका तरीका चाहिए तो इसे ये भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए हमने इसमें चना दाल डाली और इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ मटकी और मूंगफली का भी बना सकते हैं, अगर चना दाल डालनी है तो भी आप इसमें चना दाल को भी फ्राई करके बना सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही न्यूट्रिशियस सा ये चिवड़ा या नमकीन तैयार है। आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाइए, अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए, बच्चों को भी बहुत खिलाइए, आप भी खुद खिलाइए, कोई नुकसान नहीं फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।